मैं एज ए आईपीएस ऑफिसर आपसे बात करने नहीं आया हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट, जो मैं आप ही की तरह कभी हुआ करता था और उस तरह बैठा करता था, वैसे ही बात करने आया हूँ। सपने हर किसी को नहीं आते, सोई हुई आँख की राख को सपने नहीं आते, शेल्फों में रखे हुए इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजमी है हौसले वाले दिलों का होना, यूं ही सपने हर किसी को नहीं आते। देखिए, सपनों की ही यात्रा है जो शुरू होती है जब हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये मुकाम हासिल करना है, और वहाँ से एक यात्रा शुरू होती है जो हमें आगे की ओर ले जाती है। यूपीएससी की तैयारी के साथ सबसे अच्छी खासियत जो है कि इस तैयारी के दौरान या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, हम हारते कभी नहीं हैं। मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धवल है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू जेएनयू विश्वविद्यालय से हुई है। इसके पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ मेरा। मेरा सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुआ है, मेरा वैकल्पिक विषय भी हिंदी साहित्य था। और आप में से जो लोग भी हिंदी माध्यम से होंगे, उनके लिए मेरा एक विशेष आग्रह है कि कभी भी अपने माध्यम को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में मत रहिए। आपको लगता होगा कि इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेशियो कम है, लेकिन सिलेक्शन आपको अपनी एक सीट के लिए लेना है, ना कि 500 सीटों पे आपको अकेले सेलेक्ट होना है। तो उस सीट के लिए आपको अकेले फाइट करनी है। तो वो माध्यम कोई भी हो सकता है, वो हिंदी भी हो सकता है, वो अंग्रेज़ी भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने माध्यम को लेके कितने आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से तैयारी करते हैं। क्योंकि मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है कि महाभारत में कौरव केवल इसलिए नहीं हारे थे कि वे अनैतिक थे, वो इसलिए भी हारे थे कि उन्हें पता था कि वो हारेंगे। तो इसलिए जब भी आप अपने माध्यम को लेकर संशय की स्थिति में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लड़ाई हार जाएंगे। माध्यम में कहीं कोई कमी नहीं है, यूपीएससी कहीं कोई से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने माध्यम के साथ कितना ज़्यादा मेहनत से, कितनी ज़्यादा लगन से तैयारी कर सकते हैं। तो मेहनत के लिए कोई संशय मत पालिए। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपके मन में भ्रम होता है तो भ्रम से भ्रमण पैदा होता है, और वो भ्रमण एक अंतहीन यात्रा की ओर ले जाता है जहां आपके अटेम्प्ट निकलते जाएंगे, आपकी एज निकलती जाएगी, लेकिन आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और यूपीएससी कभी भी सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, यूपीएससी एलिमिनेशन का प्रोसेस है। वो हर स्टेज पर उन लोगों को एलिमिनेट करती हुई चलती है जिन लोगों के अंदर यूपीएससी क्वालिफाई करने की योग्यता नहीं है, जिनके पास एक प्रशासक बनने की योग्यता नहीं है। और यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ योग्यता की परीक्षा है, वो आपके पृष्ठभूमि की परीक्षा नहीं है, वो आपके आर्थिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि की परीक्षा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसा इसके पहले अभिलाष ने भी बताया, सक्सेस गुरु ने भी बताया कि सामान्य पृष्ठभूमि के लोग, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के लोग जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, वो भी सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी हो, ज़रूरी बस इतना है कि आप यूपीएससी के पैरामीटर पर खुद को अच्छे तरीके से जायज़ ठहराते हैं या नहीं। तो केवल और केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ये कि अपने माध्यम को लेकर संशय नहीं बरतना है, दूसरा ये कि ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। और ये ईमानदारी किसी और के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं, अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए नहीं, ये ईमानदारी खुद के लिए, खुद को दिखाने के लिए। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अरमानों के साथ भेजा है यहाँ पर तैयारी करने, तो उन अरमानों की, उन सपनों की कद्र करिए और तैयारी करिए। क्योंकि यकीन मानिए, आज भी भारतीय सिविल सेवा का कोई विकल्प नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर की किसी बड़ी से बड़ी नौकरी में चले जाएंगे तब भी इस सेवा का जो चार्म है, जो ग्लैमर है, वो आपको नहीं मिलेगा। आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, जैसे मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी हालिया मेरी पहली पोस्टिंग हुई, तो जब आप अपने ऑफिस में बैठेंगे तो आपके ऑफिस के पीछे अशोक स्तंभ की जो एक तस्वीर होगी, जो आपके शक्ति सामर्थ्य का स्रोत होगा, वो प्रेरणा आपको किसी और सर्विस में नहीं मिल सकती है। और ये केवल शक्ति और सामर्थ्य की सर्विस नहीं है, ये वास्तव में सेवा है। आप इसके माध्यम से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उस भारत के लोगों के लिए जहाँ पे अभाव है, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं रचनात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अस्तित्व के साथ न्याय कर सकें, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले भारत के सपनों को आप संभव बना सकें, तो इस सेवा में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से इतना ही, आप सभी के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद। Thank you.